हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो देखिए, इस वीडियो में हम बात करेंगे इनवियल पैरालैक्स ऑफ ए स्टार क्या होती है एंड इट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक देखते रहे एंड चैनल पर नहीं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आपको इस चैनल पर इसी टाइप के वीडियो हमेशा मिलते रहे। तो चलिए फर्स्ट देखते हैं व्हाट इज एनुअल पैरालैक्स ऑफ ए स्टार। तो देखिए नेक्स्ट, तो जैसे कि यहाँ पे देखिए एनुअल पैरालैक्स ऑफ ए स्टार, तो इसको समझाने के लिए फर्स्ट हम डायग्रामेटिक समझाएंगे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट अच्छा तरीके से क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, हम एक सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ किया था, ओके, यहाँ पर सर्कुलर ऑर्बिट ड्रॉ किया था, तो जहाँ पर एस बी द सन एंड ई बी द अर्थ ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट, ओके। तो यहाँ पे हम एक पॉइंट टी मान लेता, नाउ इसको हम ज्वाइन कर देंगे, ओके। ज्वाइन करने के बाद यहाँ पे हम एंगल मान लेते हैं पी, ओके, एंड इसके बीच में जो डिस्टेंस होती है वो डी मान लेते हैं, एंड ऐसी क्या डिस्टेंस जो होती है स्मॉल आर। तो नाउ हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम बहुत ही इजी तरीके से। तो यहाँ पे देखिए, लेट एस बी द सन एंड ई बी द अर्थ मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट, ओके, एंड टी बी द स्टार रेस्पेक्टिवली। देन क्या होगा, यहाँ पे आपको ध्यान से देखना, एंगल ई टी एस बराबर पी इज कॉल्ड एनुअल पैरेलैक्स ऑफ ए स्टार टी, ओके। तो व्हिच इज द जियोमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ एनुअल पैरेलैक्स ऑफ ए स्टार। यहाँ पर देखिए, एस ई वी द सेमी डायमीटर ऑफ द अर्थ ई, तो ये चीज सबको ध्यान से देखना। तो नाउ प्रॉपर डेफिनेशन हम जानेंगे, यहाँ पर देखिए प्रॉपर डेफिनेशन, द एनुअल पैरेलैक्स, यहाँ तक यहाँ से देखिए, द एनुअल पैरेलैक्स ऑफ ए स्टार इज डिफाइंड एज द एंगल सबस्टेंडेड एट द स्टार बाय द सेमी सेमी डायमीटर ऑफ द अर्थ, ओके। यहाँ पे सेमी डायमीटर ऑफ द अर्थ, यानी कि इसका जो एंगल होती है विच इज द एनुअल पैरेलैक्स ऑफ ए स्टार टी, ओके। तो इसको तो आपको डेफिनेशन, तो उसके बाद हम जानेंगे, यहाँ पे आपको डेफिनेशन हो गया। नाउ हम जो क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, वो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको साइन रूल का कॉन्सेप्ट का जरूरत है, तो इसीलिए हम साइन रूल को फर्स्ट समझाएंगे, बहुत ही इजी तरीके से समझाएंगे। तो देखिए, फर्स्ट हम मान लेते हैं व्हिच इज द ट्राइंगल, इसका पॉइंट ए, यहाँ पे बी, यहाँ पे सी मान लेते हैं, यानी इसका साइड जो, यानी कि ए का सीधा सीधी जो साइड होती है उसका हम मान लेते हैं स्मॉल ए, बी का सीधा सीधी हम स्मॉल बी, एंड सी का सीधा सीधी हम स्मॉल सी मान लेते हैं। इसका एंगल क्या है पी, इसका एंगल क्यू, इसका एंगल आर मान लेते हैं। देन बाई साइन रूल क्या होती है, स्मॉल ए अपॉन साइन साइन पी, यहाँ पे देखिए स्मॉल ए अपॉन इसका जो एंगल होती है साइन ऑफ दिस एंगल, अगेन स्मॉल बी अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ओके, अगेन स्मॉल सी अपॉन साइन ऑफ दिस एंगल, ओके। तो इसको हम और इस तरीके से लिख सकते हैं, साइन पी अपॉन ए। तो ये इसको आपको ध्यान से देखना, जो हम क्वेश्चन करेंगे बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। तो यहाँ पे देखिए, व्हिच इज द साइन रूल ऑफ द ट्राइंगल ए बी सी, ओके। ए बी सी के लिए साइन रूल क्या है आपको ये होती है, तो ध्यान से देखना। तो नाउ देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट, कई बार एग्जाम में आया था, फिलहाल 2013 2017 में आया था। तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, शो दैट द एनुअल पैरेलैक्स ऑफ ए स्टार वेरीज एज द साइन ऑफ एंगल डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द स्टार, ओके। यहाँ पे एक चीज आपको ध्यान से देखना, साइन होती है, तो इसीलिए हम साइन फॉर्मूला को यूज करेंगे। तो देखिए, एज इट इज सेम डायग्राम हम ड्रॉ किया था, जो हम डेफिनेशन में यूज किया था वो डायग्राम हम एज इट इज सेम यूज किया था। तो यहाँ पे हम लिखेंगे विद द हेल्प ऑफ डायग्राम। तो यहाँ पे देखिए, लेट यहाँ से एस बी द सन एंड ई बी द अर्थ मूविंग इन ए सर्कुलर ऑर्बिट ऑफ रेडियस स्मॉल आर, ओके। ये क्या है, सर्कुलर ऑर्बिट होती है एंड रेडियस क्या है स्मॉल आर, एंड इसके एंगल जो होती है हम मान लेते हैं थीटा वन, व्हिच इज परपेंडिकुलर टू द दिस पोजिशन, यानी कि ये क्या है एनुअल पैरेलैक्स ऑफ ए स्टार टी, ओके, हमेशा क्या होते हैं 90 डिग्री में काम करेगा। एंड यहाँ पे देखिए, टी बी द पोजिशन ऑफ द स्टार एट ए डिस्टेंस डी, यहाँ पे जो डिस्टेंस होती है स्मॉल डी, ओके, एंड टी बी द पोजिशन ऑफ ए स्टार। तो हमको क्वेश्चन में क्या कहती है, वेरीज एज द साइन ऑफ द एंगुलर डिस्टेंस, तो एंगुलर डिस्टेंस के लिए आपको
साइन रूल अप्लाई करना पड़ेगा। तो नाउ फ्रॉम दिस डायग्राम हम अप्लाई करेंगे साइन रूल। नाउ अप्लाइंग साइन रूल ऑफ ए ट्राइंगल, यहाँ पे ट्राइंगल क्या है, ई टी एस, ओके, इसको हम यूज़ करेंगे। तो ई टी एस ट्राइंगल यूज़ करेंगे। तो जब हम यूज़ करेंगे, देखिए इसका साइड क्या है, डी होती है, एन एंगल ऑफ दिस लाइन, यानी कि इसका सीधा सीधी क्या है, डी होती है। तो जब हम साइन रूल का कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे तभी आपको कुछ इस तरीके से होगा, डी अपॉन एंगल ऑफ दिस, साइन ऑफ दिस एंगल, ओके, यानी कि साइन ऑफ थीटा वन। इसी तरीके से आर बराबर साइन ऑफ दिस एंगल, ओके, यानी कि आर अपॉन साइन पी। तो यहाँ पर हम साइन पी को निकालेंगे, डी डी आर अपॉन डी इंटू साइन थीटा वन। तो सिंस हम जानते हैं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पर सिंस पी इज़ वेरी स्मॉल, देन हम लिखेंगे साइन पी बराबर पी, ओके। तो इसके जगह पर सर साइन पी के जगह पर पी पुट करेंगे। तो नाउ इसके एज इट इज सेम, मान लेते हैं इक्वेशन नंबर वन। तो नाउ हम जानेंगे, यहाँ पर देखिए बाय डायग्राम इसका एंगल क्या आती है, 90 डिग्री। तो वहाँ पर हम एंगल 90 डिग्री पुट करेंगे, यानी कि थीटा बराबर 90 डिग्री पुट करेंगे, देन पाई कितना होगा, पी कितना होगा, पाई होगा। तो नाउ हम यहाँ पर पुट कर देंगे इक्वेशन वन पे, पी के जगह पर पाई पुट करेंगे एंड साइन थीटा वन के जगह पर 90 डिग्री पुट करेंगे। तो साइन 90 डिग्री वैल्यू कितना, वन। तो यहाँ से हम वन पुट करेंगे, तो यहाँ से क्या होगा, पाई बराबर डी अपॉन आर। तो नाउ डी अपॉन आर के जगह पर हम यहाँ पर इक्वेशन नंबर वन पे देखिए, इस जगह पर हम पाई पुट करेंगे डी अपॉन आर के जगह पर। तो यहाँ पर पुट इन द वैल्यू ऑफ डी अपॉन आर इन इक्वेशन वन, देन वी गेट यहाँ पे क्या होगा, पी बराबर पाई क्या होगा, पाई साइन थीटा वन। तो यहाँ पे पी बराबर पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा वन। तो नाउ हम क्या कहते हैं, यहाँ पर देखिए, द एनुअल पैरेलैक्स वेरीज एज द साइन ऑफ द एंगुलर डिस्टेंस ऑफ द सन फ्रॉम द स्टार, ओके। तो व्हिच इज द रिजल्ट, तो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इसके बाद जो क्वेश्चन होती है उसके बारे में, जो क्वेश्चन आपका एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस वीडियो हम यहीं तक एंड कीजिए, थैंक यू।